गुड आफ्टरनून 11th क्लास बेटा, टुडे आवर टॉपिक इज फाइलम एकिनोडर्मेटा। फाइलम एकिनोडर्मेटा ठीक है बेटा, जो फाइलम एकिनोडर्मेटा है इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं? इट इंक्लूड स्टार फिशेज, ब्रिटल स्टार, सैंड डॉलर, सी उर्चिन्स, सी कुकुम्बर, एंड सी लिलीज। नाम से हैबिटेट समझ गए होंगे कि कहाँ पाए जाते होंगे ये ऑर्गेनिज्म। सी में मिलते होंगे ऑब्वियसली। तो बेटा आज हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? फाइलम एकाइनोडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ठीक है। तो फाइलम एकिनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, उनकी बॉडी कैसी होगी, बॉडी फॉर्म? तो बेटा स्टार फिश हमें अलग तरह की दिखती है, ब्रिटल स्टार अलग शेप का दिखाई देता है, तो वेरियस शेप ठीक है, कुछ भी हो सकती है शेप। स्टार लाइक हो सकती है, सिलिंड्रिकल हो सकती है, मेलन लाइक हो सकती है, डिस्क लाइक हो सकती है और फ्लावर लाइक हो सकती है ठीक है। बॉडी बेटा इनकी अनसेगमेंटेड है, सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं है। जैसे अर्थवर्म की बॉडी ऐसे सेगमेंट्स होते हैं उसकी बॉडी पे, तो इस तरह से सेगमेंटेड नहीं है इसकी बॉडी ठीक है, अनसेगमेंटेड बॉडी है। सिमेट्री की अगर हम बात करें, सेकेंडली सिमेट्री कैसी होगी? तो बेटा सिमेट्री में ये रेडियल एंड बायलेटरल दोनों शो करते हैं, रेडियल इन द अडल्ट एंड बायलेटरल इन द लार्वल स्टेज। ठीक है, अब बेटा ये जो ये तो हो गई सिमेट्री की बात, की सिमेट्री कैसी होगी इनकी ठीक है। अब बात करते हैं जर्म लेयर्स कितनी हैं। तो बेटा इन ऑर्गेनिजम्स के पास थ्री लेयर्स होती हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, अब बेटा फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है बॉडी की? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेटा ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। अब बेटा हेड की अगर बात करें, तो जो एकिनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास हेड नहीं होता, या ये लिख सकते हो लैक ऑफ हेड ठीक है। सिक्स्थ अपेंडिसेस की अगर बात करें, मूवमेंट के लिए इनके पास क्या है? तो अपेंडिसेस में बेटा इनके पास ट्यूब फिट्स होते हैं।
ट्यूब फिट हम किसे कहते हैं? पोडिया को कहते हैं, ठीक है। ट्यूब फिट किसे कहते हैं? पोडिया, ठीक है। और ये किसके लिए डेवलप्ड हुए हैं? डेवलप्ड फॉर लोकोमोशन। ठीक है। अब बेटा ये जो ट्यूब फिट हैं जनरली कैसे होते हैं? जनरली प्रोट्रूड आउट थ्रू स्पेशल रेडियल एरिया। कहाँ से निकलते हैं? मोस्टली स्पेशल रेडियल एरिया से निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टार फिश को चलते हुए देखा होगा ना, देखा है ना, चलते हुए कैसे चलती है? इन चीजों से मूव करती है वो, ठीक है। तो ये जो रेडियल एरिया से जो फिट निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्ब्यूलाक्रा कहते हैं, ठीक है। फिर बेटा ये एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है, और मसल्स होती हैं इनके पास जो कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब बेटा अगर हम इनके अंदर बॉडी वॉल्स की बात करें तो बॉडी वॉल में बेटा एपिडर्मिस है इनके पास, कैसी है? सिंगल लेयर्ड। सिंगल लेयर ऑफ सेल से क्या बनी है? एपिडर्मिस बनी हुई है, ठीक है। और कैसी है ये लेयर? सीलिएटेड है, मतलब इसकी बॉडी के ऊपर क्या है? सीलिया है, ऐसे होते कांटे लाइक स्ट्रक्चर होंगे इसकी बॉडी पे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, ठीक है। तो बेटा एपिडर्मिस कैसी है? सिंगल लेयर्ड और सीलिएटेड है, ठीक है। ओवरलाइज अ थिक डर्मिस, कहाँ पर लाई कर रही है? ओवरलाइज एट अ थिक, थिक मतलब मोटी, क्या है? डर्मिस लेयर। डर्मा वर्ड किससे रिलेटेड होता है? स्किन से रिलेटेड है, ठीक है। तो डर्मिस कंटेनिंग मीजोडर्मल। मीजोडर्मल का मतलब क्या है बेटा? बीच वाली जो स्किन की जो लेयर है, ठीक है, वहां पर क्या है? एंडोस्केलेटन। और एंडोस्केलेटन किसका बना है? कैल्शियम का बना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैलकेरियस प्लेट्स कहते हैं। कैलकेरियस का मतलब क्या है? मेड ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैलकेरियस प्लेट। तो बेटा इसकी बॉडी के ऊपर कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं? स्पाइन से डेवलप हो जाते हैं एकिनोडर्मेटा में, ठीक है। अब इनके पास क्या, अब ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी को, सरफेस को क्लियर करते हैं, क्लियर ऑफ डेब्रिस, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग सडनली, ठीक है। अब बेटा अगर बॉडी कैविटी की हम बात करें, बॉडी कैविटी में सिलोम, तो सिलोम कैसी है इनके पास? ट्रू सिलोम है। कैसी सिलोम है? ट्रू सिलोम है, ठीक है। और बेटा सिलोम के अंदर क्या है? फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है। सिलोम के पास क्या है? फ्लूइड फिल्ड है। अब बेटा नेक्स्ट जो है वो क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या है कि इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है? तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका कंप्लीट है, माउथ टू एनस, ठीक है, बट इनकम्प्लीट किस में है? इनकम्प्लीट इन ब्रिटल स्टार्स। ब्रिटल स्टार्स में क्या है? इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब बेटा अगर रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन किसके थ्रू करते हैं ये? इनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है, तो गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड डर्मल ब्रैंकियाई। डर्मल ब्रैंकियाई, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? पोप्यूले। पोप्यूले किसमें? स्टार फिश में हम इनको क्या कहते हैं? पोप्यूले, ठीक है। और जेनाइटल ब्रश किसमें कहते हैं?
जेनाइटल ब्रिज, इनब्रिटल स्टार, ठीक है, और बेटा पेरिस्टोमियल गिल्स, पेरिस्टोमियल गिल्स किसके अंदर? शी उर्चेंस में, ठीक है। और बेटा क्लोकल ट्रीज इन शी कुकुम्बर, ठीक है। और ट्यूब फिट बेटा सभी के अंदर होंगे, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा इनका? हार्ट तो इनके पास है नहीं, ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? ओपन टाइप का होगा, ठीक है। इनके पास ब्लड है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के लिए इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है बेटा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट है, ठीक है। ये क्या रिमूव करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट में? अमोनिया रिलीज करते हैं, और अमोनिया वालों को हम क्या कहते हैं? अमोनियोटैलिक, ठीक है। और किसके थ्रू करते हैं ये? डिफ्यूजेस आउट, मतलब एक्सक्रीट मटेरियल को किसके थ्रू निकालेंगे? वाया गिल्स, ठीक है। गिल्स के थ्रू ये क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं, अब बेटा अगर नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में इनके पास क्या है? नर्व रिंग्स और रेडियल नर्व कॉर्ड होती हैं, ठीक है। इनके पास सेंस ऑर्गन सिंपल होते हैं, ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है। तो बेटा अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के लिए ये यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, अलग अलग बॉडी में होंगे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसा करेंगे बेटा? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और कुछ जो फॉर्म्स है बेटा, सम आर रिप्रोड्यूस थ्रू, सम आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ठीक है। कैसे? सेल्फ डिवीजन कर लेते हैं, जैसे अमीबा करती है, ठीक है। तो बेटा अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनकी कहाँ से हुई है? लाइफ हिस्ट्री जो है ये सीलिएटेड होते थे, बायलेटरल सिमेट्री के लार्वा होता था इनका, ठीक है। और बेटा जो लार्वा है उसका नाम क्या था? लार्वा नेम्ड इज बिपिनेरिया, ठीक है। किसमें? स्टार फिश के अंदर। हर किसी के अंदर अलग अलग नाम है, ठीक है। तो बेटा अगर नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो एकिनोडर्म्स हमें कहाँ पर मिलते हैं? ये हमें मैराइन वाटर में मिलते हैं, मैराइन वाटर इनका हैबिटेट है। मैराइन वाटर कहाँ मिलता है? शी में, ठीक है। अब बेटा ये जनरली कहाँ पर लीव करते हैं? लिव एट बॉटम। शी में कहाँ मिलेंगे? बॉटम पे मिलेंगे, ठीक है। और ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब बेटा ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें स्पीशीज की तो एकिनोडर्मेटा की 7,000 स्पीशीज हैं, ठीक है। अब बेटा अगर क्लासिफिकेशन की बात करें
तो जो एकिनोडर्मेटा है, एकिनोडर्मेटा फाइलम को 5 क्लासेस में डिवाइड किया है, ठीक है। 5 क्लासेस कौन सी हैं? फर्स्ट क्लास है एस्ट्रोडिया, ठीक है। सेकेंड क्लास का नाम है बेटा ऑफ्यूरोडिया, ठीक है। थर्ड क्लास का नाम है बेटा एकिनोइडिया। फोर्थ क्लास होलोथ्यूरिडिया। एंड फोर्थ क्लास है क्राइनोइडिया। ठीक है, ये 5 क्लासेस हैं। तो बेटा जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल है स्टार फिश, ठीक है। सेकेंड क्लास का एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास बास्केट स्टार, ठीक है। अब बेटा जो थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास का एग्जाम्पल है हमारे पास, थर्ड क्लास का एग्जाम्पल है शी उर्चिन, ठीक है। एंड जो फोर्थ क्लास है, क्लास फोर्थ का एग्जाम्पल है शी कुकुम्बर, ठीक है। एंड फिफ्थ क्लास का एग्जाम्पल है बेटा फीदर स्टार, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, ठीक है। स्टार फिश तुमने देखे, स्टार फिश कैसी दिखाई देती है? ऐसी दिखाई देती है हमें जो स्टार फिश होती है, ठीक है। ये जो स्पाइन्स होते हैं इसकी बॉडी पर, ठीक है, और इनके बीच में ऐसे सर्कल से होते हैं, सभी में होंगे। ठीक है, अब बेटा जो बीच में है इनके पास, पोर्स ऑफ ट्यूब फिट कहां पर होते हैं? यहां पर होते हैं, ये हैं पोर्स ऑफ ट्यूब फिट। ठीक है, माउथ कहां पर है इसका? माउथ एंड जा इधर होते हैं, ठीक है। ये बेटा इसकी ओरल शिडलिंग्स होती हैं, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार हमें ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। क्लास सेकंड का एग्जाम्पल है क्या? ब्रिटल स्टार, ठीक है। अब बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्टार फिश की अगर हम बात करें, स्टार फिश कैसी दिखाई देती है?
ऐसी दिखाई देती है हमें स्टार फिश, ठीक है। तो बेटा ये देखने में ऑलमोस्ट के सारे सिमिलर से ही होते हैं, ठीक है। ये थी हमारी आज की फाइलम, फाइलम इकिनोडर्मेटा, ठीक है। और इसको रिवाइज करना है, लर्न करना है, और अपनी नोटबुक में इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको राइट डाउन करना है।